आज हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी M53 5G के बारे में, जो कि एकदम टॉप पे है अब सैमसंग की M सीरीज लाइनअप के। और ये शुरू होता है 26,499 रुपए में भारत में, और इस प्राइसिंग के लिए आपको मिलता है यहाँ पे जबरदस्त हार्डवेयर, जैसे कि 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एक मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 सिस्टम ऑन चिप वेपर कूलिंग के साथ, यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है। पर अगर आप अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को सैमसंग के गैलेक्सी M53 5G पर डालना चाह रहे हैं, तो ये रहा वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जो सैमसंग का गैलेक्सी M53 5G है, ये ज्यादातर प्लास्टिक से बना हुआ है। काफी हद तक स्टर्डी फील हो रहा था, पर शायद से सबसे ज्यादा प्रीमियम तो नहीं है। अगर आप देखेंगे इस मिस्टिक ग्रीन फिनिश को, जो कि हमारे यूनिट पे है, तो ये देखने में बड़ा ही नायाब सा है और इस फोन को एकदम स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है कंपटीशन से। पर इसमें स्मजेस बड़ी तेजी से आ रहे थे, जो कि उतना वैसे क्लियरली विजिबल नहीं थे, बट स्टिल आ जरूर रहे थे। केस नहीं है यहाँ पे बॉक्स के अंदर, तो आपको अलग से केस जरूर खरीदना पड़ेगा। अगर हम मिसिंग एक्सेसरीज की ही बात करें, तो सैमसंग ने यहाँ पे भैया चार्जर तक नहीं दिया है, और आपको सिर्फ एक USB टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है। आप इस फोन को चार्ज कर सकते हैं किसी भी USB टाइप सी चार्जर से, पर फास्ट चार्जिंग के लिए आपको अलग से एक 25 वॉट का चार्जर चाहिए होगा, और सैमसंग का जो ऑफिशियल ऐसा चार्जर है वो 1200 रुपये का है। इसी के कंपेरिजन में शाओमी का जो Mi 11i हाइपर चार्ज 5G है, वो इसी दाम के आसपास आता है, पर उसमें 120 वॉट फास्ट चार्जिंग भी है और एक कंपैटिबल चार्जर आपको बॉक्स के अंदर वहाँ पर मिल रहा है। तो सैमसंग का गैलेक्सी M53 5G है, ये एक बड़ा डिवाइस है भाई, और 178 ग्राम इसका वजन है। वन हैंडेड यूसेज के लिए थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, और सैमसंग ने यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है, जो कि आराम से आपके हाथ की पहुँच में रहेगा और तेजी से आप इससे फोन लॉक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है फोन पे, तो स्टोरेज एक्सपेंशन जो है वो हो सकती है, पर आप एक दूसरा सिम गवा देंगे उस चक्कर में। और जो फोन है उसके अंदर 3.5mm हेडफोन जैक नहीं है, जो कि कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकती है। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स भी नहीं है, जो कि बड़े सारे कंपीटिंग स्मार्टफोन्स पर उपलब्ध हैं, और ये भी एक बड़ी कमी है इस फोन पे। सैमसंग के बड़े सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले पे एकदम बढ़िया व्यूइंग एंगल्स हमको मिलते हैं, और ये डिस्प्ले काफी हद तक क्रिस्प सी है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज की मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है, और आप चूज कर सकते हैं अलग अलग कलर मोड्स के बीच में। कंटेंट देखना इस पर बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और सैमसंग जो है गैलेक्सी M53 5G को दो रैम वेरियंट्स में देता है, 6GB रैम और 8GB रैम के उसमें, और स्टोरेज जो है वो 128GB में फिक्स रहती है। सैमसंग का यहाँ पे रैम प्लस फीचर है, जो कि हमको अलग से 6GB स्टोरेज को रैम की तरह असाइन करने में हेल्प कर रहा था। और सॉफ्टवेयर मामले में यहाँ पे आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है Samsung के One UI 4.1 स्किन के साथ उसके ऊपर पे। अब भाई Samsung ने कमिटमेंट दी है कि 2 साल तक Android OS अपडेट्स आएंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे Galaxy M53 5G के लिए। ये भाई मदद करेगा इस फोन को स्मूथली रन करने के लिए कुछ समय के लिए डेफिनेटली। One UI जो है उसको चलाना काफी हद तक आसान है, पर यहाँ पे भैया बहुत सारा थर्ड पार्टी ब्लोटवेयर है डिवाइस पे, जो कि कई लोगों को दुखी कर सकता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, तो जो सैमसंग गैलेक्सी M53 5G था वो बढ़िया था उस मामले में। इस फोन पे आराम से एस्पर्ट 9 लेजेंड्स चल रही थी 60 हर्ट्ज पे, और हमें भैया कोई स्टटर वगैरह नहीं दिखाई दिया। 15 मिनट तक खेलने के बाद हमने ये नोट किया कि 3% ड्रॉप था बैटरी लेवल में, जो कि फिर भी काफी हद तक एक्सेप्टेबल था। ये जो फोन था ये इतना गर्म भी नहीं हुआ टच करने पे, और बेंचमार्क्स में जो गैलेक्सी M53 5G है उसने कम स्कोर किया रियलमी GT मास्टर एडिशन से और शाओमी के Mi 11i हाइपर चार्ज 5G से, जिनका जो शुरुआती प्राइस है वो भी कम है और उनके सिस्टम ऑन चिप भी ज्यादा बेहतर है इससे। जो सैमसंग गैलेक्सी M53 5G है इसके अंदर एक क्वाड कैमरा सेटअप दे रखा है बैक पे, जहाँ पे एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, एक 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो कैमरा है, और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। अब भाई सैमसंग का गैलेक्सी M53 5G आराम से फोकस पकड़ पा रहा था, कहीं पे फंबल वंबल नहीं मार रहा था ये, और एक्सपोजर भी सही आ रहा था यहाँ पे, डेलाइट शॉट्स बढ़िया आ रहे थे, डिटेल भी बढ़िया था। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है उसमें एक प्राइमरी कैमरा जैसा ही कलर टोन था, जो कि बहुत ही सुंदर बात है, पर जो फोटोज उससे आ रहे थे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से उतने डिटेल्ड नहीं थे। अल्ट्रा वाइड जो फोटोज आ रही थी उनमें कुछ कुछ बैरल डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा था एजेस पे फ्रेम के, और जो पोर्ट्रेट शॉट्स थे बड़े ही क्रिस्प आ रहे थे बढ़िया एज डिटेक्शन के साथ। अब भाई यहाँ पे जो मैक्रो कैमरा दे रखा है वो ठीक ठाक फोटोज ले रहा था, और हम काफी क्लोज जा पा रहे थे सब्जेक्ट के शूट करते वक्त, और जो लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी काफी हद तक सही है, पर इन शॉट्स के अंदर डिटेल नहीं थी कम रोशनी वाले क्षेत्रों में। नाइट मोड में थोड़ा बहुत ये चीज इंप्रूव जरूर हो रही थी, पर जो फोन है उसको 3 से 4 सेकंड जरूर लग रहे थे हर एक शॉट को लेने में। नाइट मोड जो था वो बड़ा ही हिट और मिस वाली सिचुएशन थी, क्योंकि कुछ कुछ फोटोज यहाँ पे काफी सॉफ्ट सी आ गई।
अब यहाँ पे जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो एकदम पिक्सल विनिंग के साथ 8 मेगापिक्सल की फोटो ले रहा था बाय डिफॉल्ट, और दिन के समय में ली गई सेल्फी जबरदस्त लग रही थी बढ़िया नेचुरल कलर्स के साथ, और पोर्ट्रेट मोड में हमें बढ़िया एज डिटेक्शन देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर लो लाइट में जो कैमरा परफॉर्मेंस थी वो औसत ही थी कंपैरिजन में। वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 4K 30fps तक गई, और जो फोन है ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन या इस पे रिलाई करता है कि फुटेज को स्टेबलाइज कर सके। कलर्स जो थे डेलाइट में सही लग रहे थे, पर वीडियो जो था वो काफी तक शेकी था और स्टेबलाइज नहीं था उतना बढ़िया तरीके से। लो लाइट फुटेज के अंदर भी काफी ज्यादा जिटर था और हमें उतना मजा नहीं आया वहां पे। आपको बढ़िया बैटरी लाइफ मिलेगी गैलेक्सी M53 5G में। 5000 mAh बैटरी यहाँ पे जो आराम से हमारे एक दिन से ऊपर चल रहा था यूसेज में, और HD वीडियो लूप टेस्ट में ये जो फोन था 18 घंटे 24 मिनट तक चला। चार्जिंग स्पीड अब भाई इस बात पे निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार के चार्जर का प्रयोग करते हैं। हमने MacBook Air 2020 के USB Type-C चार्जर का इस्तेमाल किया और फोन ने फास्ट चार्जिंग का सिंबल जरूर दिखाया, और 31% तक आधे घंटे में चला गया और 58% तक एक घंटे में। दोस्तों जो सैमसंग का गैलेक्सी M53 5G है ये एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड कहा जाएगा गैलेक्सी M52 5G के मुकाबले। देखने में सही है और गारंटीड एंड्रॉयड OS अपग्रेड्स हैं, सिक्योरिटी अपग्रेड्स हैं यहाँ पे जो कि इसको कुछ साल तक फ्रेश बनाए रखेंगे। हमारे एक पर्सनल ओपिनियन में जो 6GB रैम वेरियंट है वो एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है 8GB रैम वेरियंट के मुकाबले। और हमें ये भी लगता है कि भाई जो सैमसंग है उसको एक 25 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर बंडल कर देना चाहिए था, क्योंकि फोन का प्राइस भी तो काफी अच्छा खासा है। अगर आप गैलेक्सी M53 5G खरीदने ही वाले हैं तो एक बार जरूर देखें शाओमी के Mi 11i हाइपरचार्ज 5G को। उसके अंदर एक 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और एक ज्यादा पावरफुल MediaTek Dimensity 920 सिस्टम ऑन चिप मिलता है। वहां पे एक ज्यादा फास्ट 120 वॉट का चार्जर भी बंडल्ड है बॉक्स के अंदर। और आप में से जो लोग भी एक बढ़िया स्मार्टफोन कैमरा लेना चाह रहे हैं तो उनको Realme 9 Pro Plus को भी कंसिडर करना चाहिए। अगर आपके बजट में थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट है तो Mi 11i और Realme GT Master एडिशन भी बढ़िया ऑप्शंस हो सकते हैं गैलेक्सी M53 5G के मुकाबले। तो दोस्तों इस रिव्यू के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब कोई भी डाउट्स हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं सैमसंग के गैलेक्सी M53 5G के बारे में तो जरूर उनको छोड़िए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।